आएगी, कांग्रेस सरकार बनेगी और ये जितना काला कानून वापस करेंगे और हमारे सब कर्मचारी से लेकर किसान भाई और नौजवानों को सबको राहत देने का काम हमारी सरकार करेगी, कांग्रेस सरकार करेगी, सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करेगी और प्रदेश में हमारे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सारे नेता लोग कमर कस के बैठे हैं और बाकी चंदा लेने में सब तोड़ तोड़ रहे हैं। पर ये नहीं कि काला कानून वापस करो भाई, राम मंदिर भगवान तो हम सब चाहते हैं, राम का मंदिर बने, पर ये शुरू से लेकर आज तक जितना चंदा इकट्ठा है तो देश की जनता को बताए, वहां का वो हरिद्वार का एक बाबा खड़ा हो गया, वो कह रहे कि 1400 करोड़ रुपया भाजपा विश्व हिंदू परिषद को हमने जमा कराए और सब पैसे खा गए, उसका हिसाब नहीं दे रहे करके बाबा सब उठ पड़े, बाबा सब अयोध्या में उठ पड़े, वो पैसा तो बताओ, एक पैसा नहीं बता रहे। उसके बाद भी टोलियां बढ़ा दी, गांव गांव घूम रही टोलियां, भगवान का मंदिर बनाना है पैसा दो, मैंने भी 21,000 रुपए दिए पर मैंने उनके हाथ में नहीं दिए, मैंने डायरेक्ट भेज दिया हरिद्वार और ट्रस्ट को भेज दिया, मैंने ये जाके खा जाएंगे कहा सब पूछेंगे इससे, तो ऐसी हालत आएगी तो चंदा भी इकट्ठा करके खा रहे और काला कानून भी लागू कर दिया और ये सारी चीजें, तो इसलिए हमारा अनुरोध है ये काला कानून वापस ले और शुरू से उमा भारती ने अभियान चलाया था, उमा भारती भी कह रही है कि वो पैसा कहाँ है और वो तब से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद वाले, वो पैसा का कोई हिसाब नहीं हो रहा है। अब देश की जनता को शुरू से लेकर आज तक भगवान राम के मंदिर के लिए एक एक पैसा इकट्ठा हुआ उसका हिसाब देश की जनता के सामने रखे और वो पैसा सीधा ट्रस्ट में अयोध्या जमा हो जाए और मंदिर शानदार मंदिर बने, भगवान राम का मंदिर बने, हमारी ये इच्छा है मंदिर बने, हमने इसलिए पैसा चंदा दे रहे हैं। सीता माता जी परेशान है, सीता माता जी कह रही मेरा पति के नाम से चंदा खा गए पर मेरा मंदिर नहीं बनाया, सीता माता जी परेशान है, तो ऐसी हालत हो रही है, भगवान राम भी परेशान, सीता जी पर ये नहीं थक रहे, ये चंदा खोर कभी नहीं थकेंगे, आए दिन चंदा चंदा चंदा, अरे हिसाब तो दो, देश की जनता जानना चाहती है कि इतना पैसा इकट्ठा हो गया तो भगवान का भव्य मंदिर बने, शानदार मंदिर बने और भगवान को वो विराजमान करे। आज वो टेंट में भगवान बैठे हैं अयोध्या में, पर भाजपा वाले ये नहीं कह रहे कि हम मंदिर बनाएंगे, चंदा पर लग गए, तो ये चंदा खोरों से सावधान रहो, ये मेरा कहना है। आज हमने फूल बॉल में हमने धरना दिया है, इसीलिए दिया कि प्रदेश की सरकार और देश के अपने प्रधानमंत्री तो अपने कान खुले, आंखें खुले कि आज ये चंदा इकट्ठा हो, भगवान राम का मंदिर कब बनाए, जल्दी से बनाए, ताकि मैंने हर आदमी चाहता भगवान का मंदिर बने, हम भी चाहते हैं, ये कोई मैंने ठेकेदार नहीं बन गए भगवान राम के तो सारा पैसा इकट्ठे कर हजम कर रहे, भाई हमारा भी भगवान राम है, जब भगवान राम 14 साल के वनवास में गए थे उस समय हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसान भगवान की रक्षा कर रहे थे, भगवान की सेना बन के काम कर रहे थे, उस समय ये कहाँ थे, ये ठेकेदार कहाँ थे, आज वो ठेकेदार बन गए और गरीब किसानों से जाके कह रहे कि चंदा दो चंदा दो, अरे चंदा तो दे पर तुम हिसाब तो बताओ, पर वो हिसाब भी नहीं बता रहे, यही हमारे उन लोगों से पूछना है। तो साथियों आज आप पूरे जगह जगह सारे किसान भाई, हमारी माताएं बहने आई, छोटे छोटे बच्चों को लेके आई, उनके मन में भी दुख है, जब उन्होंने भी भगवान के मंदिर बना करके चूड़िया उतार उतार के दी थी, मंगल सूत्र उतार के दिया था कि भाई हमारा मंदिर बनेगा, पर वो चूड़िया का भी हिसाब नहीं और मंगल सूत्र कितने है उसका भी हिसाब नहीं, यह हालत कर रखी है। इन चंदा खोरों से अब भगवान भी निपटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।